जी सर बिल्कुल, चूंकि हम लोग का भी विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है, तो हम लोग के विद्यालय में भी शिक्षा मित्र हैं। तो वास्तव में इन्होंने जितनी बातें की वो सारी बातें हम लोग देखते हैं। क्या स्थिति है विद्यालय की, क्या समाज की स्थिति है, क्या शासन प्रशासन की स्थिति है, इससे रोज रूबरू होने का मौका मिलता है। हालांकि हम लोग के विद्यालय में प्रयास बहुत होता है, लेकिन चूंकि हम लोग अपने आप को कहीं कमजोर नहीं मानते, और मैं तो अपने विद्यालय में अपने शिक्षा मित्र साथी का भी काफी उनका मदद करता हूँ, काफी उनका हेल्प करता हूँ, और मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि किसी से दब के रहने की जरूरत नहीं है, किसी कोई शोषण कर विद्यालय में तो मैं उनका शोषण नहीं होने देता हूँ, चाहे वो कोई अधिकारी आए, चाहे कोई प्रधानाध्यापक आए, चाहे कोई अध्यापक आए, इतनी गारंटी तो मैं देता हूं अपने विद्यालय में कि हमारे अनुदेशक और हमारे शिक्षा मित्र का कोई शोषण नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां देखता हूं, वो स्थिति को देखता हूं, तो वास्तव में समझ में नहीं आता है कि ये लोग शोषण की प्रकाष्ठा को कहां तक ले जाना चाहते हैं, इनके विचार क्या है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चाहते क्या है, अनुदेशक करे क्या, शिक्षा मित्र करे क्या, लेकिन इनके पे सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी तुगलकी फरमान है तुरंत वो शिक्षा मित्र पे, तुरंत अनुदेशक पे ट्रांसफर हो जाता है। मेरे पास तो चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो कई जनपद से फोन आता है। अभी आपको बताऊं, श्रावस्ती जनपद का कल एक फोन आया था, वहां एक शिक्षा अनुदेशक है, वो बच्चे को एक कला प्रदर्शनी में ले गया, कला प्रदर्शनी में ले गया 5-6 बच्चों को ऑटो करके, तो प्रधानाध्यापक को उस ऑटो का पैसा देना पड़ा, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उस अनुदेशक को गाली गुप्ता दिया, और देखिए गाली गुप्ता भी दिया, और एसडीआई को बीईओ को फोन करके बुला भी लिया, और बुलाने के बाद वो उस अनुदेशक को अनुपस्थित भी चला दिया, क्योंकि उसने जब गाली गुप्ता दिया तो दोनों में बहसा बहसी हुई, तो अनुदेशक वो प्रधानाध्यापक मारने को दौड़ा, प्रधानाध्यापक मारने को दौड़ा अनुदेशक को, तो अनुदेशक थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस किया, तो विद्यालय के बाहर चला गया, और इतने ही देर में बीओ महोदय आ गए, और बीओ महोदय ने क्या किया, जब उस अनुदेशक को विद्यालय में नहीं पाया तो उनको अनुपस्थित चला दिया, जबकि उसकी पहली मीटिंग सुबह की हाजिरी बनी थी। उस बीओ महोदय ने इतना भी जानने का प्रयास नहीं किया कि वो अनुदेशक है कहाँ। हालांकि मैंने उनसे कहा है कि आप मुझे फोन नंबर दीजिए अपने बीओ का, और मैं सोमवार को उन बीओ से बात करूंगा, और मैं पूछूंगा उनसे, ये जो तुगलकी फरमान लेके आते हो आप लोग, क्या अनुदेशक इस समाज का व्यक्ति नहीं है, क्या शिक्षा मित्र इस समाज का व्यक्ति नहीं है, क्या उसके कोई अधिकार नहीं है, क्या उसके कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन इस प्रकार की शोषण की प्रकाष्ठा। अभी एक शाहजहांपुर की एक महिला है, वो महिला एक दिन वो जब आ रही थी तो उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई, उसने प्रधानाध्यापक को मैसेज किया कि मैडम मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, मुझे बनवा के आने में थोड़ा देर लगेगा, और जब वो 1 घंटा विद्यालय लेट से पहुंची तो वहां रजिस्टर में क्या देख रही है, उसको अनुपस्थित चढ़ा दिया गया है। मतलब समझ में नहीं आता है, अरे आप कम से कम डरो, भगवान से भी तो डरो। आपको उसने यदि सूचना दिया है कि उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, वो थोड़ा देर लगेगा आने में, उसके बाद भी आपने उसको अनुपस्थित चला दिया, और अपने खुद मीटिंग होगी 3 बजे, अपने 11 बजे निकल जाओगे। ये प्रधानाध्यापक की बातें मैं कह रहा हूं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कंपोजिट हो, बैंक के नाम पर जबकि आदेश है परियोजना निदेशक का कि बैंक के नाम पर कोई 3 बजे के पहले, मतलब छुट्टी के बाद ही जाएगा, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, बीच में ही बैंक में चले जाएंगे। क्यों, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई पूछेगा तो हाय तुम्हारा नवीनीकरण में असंतोषजनक लिख दूंगा। तो इस प्रकार की शोषण की प्रकाष्ठा हो रही, सरकार तो कर ही रही है,
सरकार तो शोषण कर ही रही है, जिसके साथ हम लोग 6-6 घंटा 8-8 घंटा हमारे अनुदेशक हमारे शिक्षा मित्र विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय का सारा काम करते हैं। अरे जब आपको याद होगा 16 जून को जब अनुदेशक और शिक्षा मित्र ने बहिष्कार किया कि नो पे नो वर्क, एक दिन में ही सरकार को लग गया अनुदेशक और शिक्षा मित्र का क्या महत्व है, और रातों रात बैक डेट में आदेश निकालना पड़ा कि जो अनुदेशक शिक्षा मित्र 1 जुलाई से विद्यालय जाते थे अब वो 16 जून से जाएंगे। क्यों क्यों निकालने की आवश्यकता पड़ गई? जब हमारा कोई महत्व नहीं है, हम नखादे हैं, हम नालायक हैं, जब अनुदेशक नालायक है, शिक्षा मित्र नालायक है, तो क्या जरूरत है आदेश निकालने का? लेकिन आपको तो लगा, और आप इस बात को जानते हो, सरकार इस बात को जानती है कि कोई भी हमारा विद्यालय बिना अनुदेशक और बिना शिक्षा मित्र के चल नहीं सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, शासन की नीति, शासन के आदेश स्वयं कह रहे हैं, यदि हमारा महत्व तो नहीं होता तो आप बैक डेट में आदेश क्यों लाते? अरे हम तो 1 जुलाई से विद्यालय आते, आप अपने प्रधानाध्यापक को जिनको 80 हजार 90 हजार दे रहे हो क्यों नहीं चलवा लिया विद्यालय? लेकिन आपकी तो घिग्घी पड़ गई, कई प्रधानाध्यापक को मिर्गी आने लगी कि अरे अनुदेशक चलिए नहीं मेरी आएगा, शिक्षा मित्र नहीं बात आएगा, तो हमारा विद्यालय कैसे चलेगा? तो हमको जब विक्रम सिंह भैया जी को भी सुन लें।